हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका दोस्त प्रदीप गौड़ एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंडीशन पे चर्चा करने वाले हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बताने वाले हैं जिनमें पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन यह है कि जब पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अपने पति से अलग रह रही हो, मतलब कोई रीजन ही नहीं है, बिना किसी रीजन के जाके मायके में बैठ गई, तो इस कंडीशन में वह अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि पति यह कैसे साबित करे कि उसकी पत्नी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, अर्थात बिना किसी रीजन के मायके में जाके बैठ गई है और उसके साथ नहीं रह रही है, अर्थात उससे अलग रह रही है। इस कंडीशन में पति हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 सेक्शन 9 के तहत पारिवारिक न्यायालय में विदाई का दावा कर सकता है और यह मेंशन कर सकता है कि उसकी पत्नी बिना किसी युक्त कारण के, अर्थात बिना किसी रीजन के उससे अलग रह रही है, अर्थात मायके में जाके बैठ गई है। कंडीशन नंबर 2, यदि आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध है तो उस कंडीशन में वह अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है, लेकिन यह आपको साबित करना पड़ेगा। यदि आप यह साबित करने में सफल रहते हैं तो ये तलाक का भी एक सॉलिड ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे, अर्थात इस आधार पर आप अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकते हैं और आपको गुजारा भत्ता भी नहीं देना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 3, यदि आपकी पत्नी कमाती है या कमाने में सक्षम है और वह जानबूझकर नहीं कमाती है तो उस कंडीशन में भी पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।